इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। Hey, hi, welcome to FSA Entertainment. My name is Fahad Zariwala. Today is the 15th of January 2022 and this is a Backbencher special. Backbenchers special yane hamara wo episode jahan par hum hamare coverage ki shuruaat Muksar ke entry gate se nahi balki ekdam end se karenge, jahan par mandi end hoti hai wahan se hum shuruaat karenge aur dekhenge wahan kaun kaun se tent hai. Chalte chalte hum aayenge hamare entrance par. So let's start the coverage. सो वेलकम टू एफ एस ए एंटरटेनमेंट बैक बेंचेस सेशन. इस वीडियो में ये एक लंबा वीडियो होगा एंड वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड. मैं इन लोगों के साथ हूँ जो आखिरी शायद घोड़ा है पूरे मंडी में, एकदम लास्ट में टेंट है वो इन्हीं का है. क्या नाम है सर आपका? रवि ब्राड़ जी. और आपका? सुखमन ब्राड़ जी. सुखमन ब्राड़, आपका स्वागत है जी. बहुत बहुत थैंक यू सो मच. मुक्सर मैं पिछले 5 दिन से आ रहा हूँ. मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ वीडियो. इस बार मैंने सोचा मैं पीछे से, जो बैक बेंच है स्कूल में नहीं पीछे की सीट पे बैठे होते हैं वो शरारती तो वही होते हैं, लेकिन आई होप उसमें से काफी अच्छे जानवर भी देखने मिल जाए. पहले ये बताइए, इतना पीछे आपने खुद अपनी पसंद से लिया है, अपनी चॉइस से, कि आपको बस मिल गया है? नहीं, अपनी पसंद से ही लिया है. क्यों ऐसे? एक तो सर खुला आ जाता है एरिया जी, वहाँ पर भीड़ बहुत आ गई. अपना टेंट नहीं लगाया, लेकिन आपको फायदा भीड़ का ही है ना? हाँ नहीं, भीड़ जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना बेटर है. ट्राली में आए हैं ना, जिसने अच्छा जानवर देखना है वो बाहर आके देख ही लेता है. एक्चुअली वो जिसको जेन्युइनली खरीदना है वो पूरी मंडी घूमेगा, है ना? पूरी मंडी घूमेगा. ठीक है, आपने कितने लाए हैं, कब आए हैं और कितने बिके? ये बच्चे ही लाए हैं हम. कितने दिन से आए हुए आप यहाँ पे? तीसरा दिन है जी. और कितने लाए थे टोटल जानवर? यही लाए, बच्चे ही लाए हैं. तो 3 दिन में अभी तक के बिका नहीं है आपका? हाँ जी. तो क्या वजह है, क्या लोग कम आ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि मैं यहाँ पे क्राउड नहीं देख रहा हूँ. आपके दोस्त बैठे हैं यहाँ पे सारे के सारे, लेकिन जो खरीदार है वो नहीं दिख रहे. खरीदार आज से चालू होगा कम? आज से तो मंडी जा रही है. मैं बाहर जिसने जानवर खरीदना ना लास्ट दिनों में खरीदता है, इससे पहले देखने के लिए कोई अपनी निगाह में कर लिया अच्छा जानवर, तो वो लोग वेट करते भाई कब प्राइस गिरे लास्ट दिनों में. तो आप लोग भी जो है वो प्राइस कम कर देते हो? थोड़ा बहुत तो हो जाता है. हो जाता है, ठीक है. चलिए, एक जो बछेरा बछेरी है, ये बछेरा है, बछेरा है, बताइए इसके बारे में. क्यों लेना चाहिए लोगों को इतने कोने में आके? जानवर तो और भी है नुकरे, इसमें क्या अच्छा खास बात है? अच्छे तो और भी है, इसमें क्या खास बात है? ये अच्छा शान बनेगा. अच्छा, बताइए इसके बारे में कैसे बनेगा? राजवीर घोड़े का बच्चा है, कोई लाइन वाला है, अच्छा है वो. क्या हाइट का है वो? 68 हाइट का है. और ये क्या उम्र का है? ये 17 महीने का, 17 मंथ्स का है ये. 17 मंथ्स ओल्ड. और अभी इसने कितनी हाइट पकड़ लिया है 17 महीने में? ये 61 के आसपास है. ओके, और कितना मांग रहे? अभी बम फोड़ो, कितना मांग रहे? 270. 270. लोग कहते हैं भाई किसानों के शूट करो, उनको ऐसा भ्रम है कि भाई किसानों के शूट करेंगे तो 50-60-70 में मिल जाएंगे घोड़े. नहीं सर, जो अच्छी चीज है उसका तो दाम अच्छा ही होता है जी. तो लोगों में ये आप बताइए मेरे को, जब YouTube पे वीडियो बनाता हूँ कमेंट करते हैं भाई मुझे 40,000 के घोड़े बताओ. आप घोड़ों पे प्राइस टैग तो नहीं लगा रहता है कि भाई 40,000 का लिखा है, मैं एक शोरूम में घुस जाओ 40,000 का? सर जो अच्छे दाम वाली चीज है ना वो सर दिखी जाती है, ये अच्छी चीज है. घोड़ा 5 लाख का भी है, 70,000 का भी है, 50 लाख का भी है. और लोग तो भाई अभी अभी मेरे दोस्त है, उन्होंने बहुत अच्छा 20-25 लाख मंगाया, उससे पहले मांगा है, उससे पहले उन्होंने बोला ओनली 20 लाख, यानी सिर्फ. क्या बनता है घोड़े की सभी चीजें? बॉडी स्ट्रक्चर होता है, घोड़ा होता है, घोड़ा है बड़ा शरारती, शरारती बार बार ये छड़ी लेके केयर करना पड़ता है. नहीं ऐसे है ना, घर पे घोड़ियों के बीच रहा है, यहाँ अकेलापन कर रहा है, इसलिए ज्यादा शरारत. इसका फर्स्ट टाइम है यहाँ पर? फर्स्ट टाइम है, इसीलिए कर रहा है ज्यादा. क्या परिवर्तन आता है घोड़ों में घर पर रह के और यहाँ पर? व्हाट चेंजेस? अपनी माँ से, माँ के पास था तो
अलग कर दिया तो इसके कारण ये फिर शरारत करता है। ओके ओके, गोड़ियां देखती कोई अगर आपके पास ये लेता है तो कैसे देखभाल करनी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए वो शो स्टॉपर स्टैलियन? देखभाल तो अच्छा खरखरा करना चाहिए दो टाइम। खिलाने में क्या देना चाहिए? खिलाने में छोले चोकर जमी दूध पिलाओ, सभी चीजें चलती हैं। ओके, दूध भी पिलाना, दूध भी पिलाना चाहिए। ओके, या कितने समय में ये अपने डुबाब में आएगा, क्या लगेगा क्या भाई वाकई में घोड़ा है? ढाई साल से जब दो दांत हो जाता है, दो दांत हो जाता है तब दिखने में आता है कि ये जानवर है, कोई अच्छा जानवर है। ठीक है, आपका नंबर दीजिए हमारी ऑडियंस को, आया आपका दे दीजिए 9252। बहुत अच्छा कि आपने इंग्लिश में बोला, थैंक यू सो मच। 9252890002। ठीक है, वरना मैं वो बैट 51 सुन सुन के मुझे समझ में मैं सीख गया। नहीं नहीं सर, ठीक है, आपका ख्याल भी हमें रखना है जी। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, जिस किसी को भी लेना है गेंडा, अगला मोड़ क्या है, कहाँ पर जाओगे आप? अब अगला मोड यहाँ पर ही है, उसके बाद गांव। कौन से गांव से हो आप? मोहनपुरा गाँव, गंगानगर, श्रीगंगानगर। राजस्थान से आए हो? राजस्थान। ओके, राजस्थान में रहते लेकिन पंजाबी ना, वो श्रीगंगानगर में ज्यादा पंजाबी जिला है ना जी, जो हाँ बॉर्डर पे तरह से पंजाबी है। हाँ, क्यों वहाँ पर ज्यादा जी पंजाबी लोग हैं? बॉर्डर साइड आता है। हाँ, बॉर्डर पे आ जाता है बिल्कुल, पंजाब और बॉर्डर अपने राजस्थान का बॉर्डर, वहीं पे वो बड़ा मेला लगता है। हाँ, वहाँ पर गंगानगर में भी मेला लगता है। आप गए हो वहाँ पे? हाँ, हम हर साल ही जाते हैं। वो मेले और इस मेले में क्या फर्क लगा आपको? ये जी जो मुक्तसर मेला है वो गढ़ है जी, यहाँ से लाइनें स्टार्ट हुई है, पंजाब ने नुकरा ब्रीड पंजाब की है जी, असल यहाँ पर ऑल इंडिया का व्यापारी आता है जी। बिल्कुल ये बात है जी। नहीं, ऑल इंडिया का तो मैं पुष्कर में देखा हूँ, यहाँ पर लोग है सीमित है, श्रीगंगानगर हरियाणा और अपना पंजाब से, लेकिन मैं नहीं देखा हूँ इतने राजस्थानी आए हैं, मैं नहीं देखा हूँ इतने गुजरात से, तो हार्डली मुझे कोई दिखा है। हालांकि पुष्कर में हर जगह क्या आता है, महाराष्ट्र गुजरात तो दूर पड़ जाता है शायद, इसीलिए नहीं दूर भी पड़ जाता है ना सर, वो लोगों का मुर्गी से महंगा मसाला पड़ जाएगा लाने का। ठीक है, चलिए, वंस अगेन एनीबडी इंटरेस्टेड गेट इन टच विद देम, द नंबर इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया इंग्लिश में, वंस अगेन ब्रार ब्रदर्स राइट, और घोड़े का नाम क्या है? कोई नाम नहीं है, नहीं अभी नाम कोई नहीं, नाम नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए ऑन टू द नेक्स्ट हॉर्स बैक बेंचर सीरीज में, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह। आप वो निहंग सिंह वाले हो? हाँ जी हाँ। वो वजह मैं देखा, आप लोगों ने भी बहुत घोड़े लाए हो, यानी आपकी कम्युनिटी ने। हाँ जी हाँ। कितने घोड़े लाए, कितने बिके? चार ले, ये बिका नहीं कोई। अच्छा, इतना कोपचे में है, एकदम लास्ट में, यानी मुक्सर मंडी के उस और आपकी बाड़ा लगा है, आपका टेंट लगा है, तो उसकी वजह से क्या जो खरीदार है वो कम आते हैं आपके पास? हाँ, थोड़ा कम है सर। तो आपने क्यों चुना इतना खोने में जगह? अच्छा, लेट आए थोड़े। अच्छा, तो बीवी यही? हाँ जी। अच्छा, जो जल्दी आएगा उसको आगे का मिलेगा? आगे। हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा, सही बात है। बताइए इसके बारे में, घोड़ा है, क्या उम्र है इसकी, ऊँचा बोलिए। 4.5 साल का है घोड़ा, और क्या हाइट है? 64 रेंज का है। कौन सी लाइन का है? आलीशान का पोता। ओके जी, कितना मांग रहे हो इसका? 5 लाख। बस 5 लाख रुपीस कम हो जाएगा ना, इतना पीछे है तो थोड़ा डिस्काउंट तो देना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा अच्छा है, फिट है। कितने साल का बोला आपने? कितने साल का है? 4 साल का। 4 साल का है, मांग रहे हो 5 लाख रुपये। नंबर क्या है आप? 6887-170190। और आपका पूरा नाम? बलविंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले बलविंदर? चमकौर साहब जी। मुक्सर में यहाँ था कि दूर है? रोपड़ जिला जी। दूर है यहाँ से? हाँ जी हाँ, 250 किलोमीटर। तो काफ़ी दूर से आए हो आप? हाँ, तो है ना। कोई मोल लगा है इसका पब्लिक ने, कुछ प्राइस वाइस लगाया है इसके? डेढ़ लाख लग गया। नहीं दिया आपने? कितने में लास्ट, कितने में दे दोगे? 4 लाख। 4 लाख में दे दोगे? ठीक है। नाम क्या है घोड़े का वैसे? अपने पास रखे हो कि भाई खरीद के बेचते हो? ये अपने पास का वो घोड़ा आपके पास ही रखा है? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। घोड़िया भी खड़ी, घोड़िया भी है, चलिए घोड़ी का बनाते हैं। ये घोड़ी आपकी है? तो आपने तो काफी जानवर लेके आए हो है ना? हाँ जी, चार। बताइए क्या उम्र की है ये घोड़ी? 4.5 साल की है। कोई लाइन वाली है कि अननोन है? अननोन है। और क्या हाइट पकड़ी है अभी इसने?
8 इंच है। पूरी काली है ना, खाली एक माथे पे हेयर लेस। हाँ जी। ठीक है, कितना मांग रहे हो आप इसका? 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। 1 लाख रुपए कम हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लगा प्राइस में। ठीक है, वहाँ पर आइए। हाँ जी, इसके बारे में बताइए। ये बहुत सुंदर है घोड़ी, कोई लाइन की है? इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बॉडी की है। कौन सी लाइन की है ये? क्या उन्होंने दस्या था? ये मज्जू की लाइन दिया, पर प्रूफ नहीं है। लेकिन जो देखेगा वो समझ जाएगा कि भाई कोई अच्छे खानदान की है, क्योंकि दिख रही अलग ही बॉडी है इसकी। क्या हाइट की है वैसे ये? 60। और कितनी उम्र की है? 5 साल की है। खाली है घोड़ी क्या? गब्बन है? नहीं, छड्या भाई, कोड़ा महीने का हो गया। ओके ओके, कितना मांग रहे हो इसका? 1.5 लाख रुपए। थोड़ा ऊंचा बोलिए आप। 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। ठीक है, सबसे अच्छी लगी मुझे ये, सबसे अच्छी लगी। और ये वाली? एक चंबी है जी। चंबी घोड़ी है। जी। बताइए क्या हाइट की है? ये भी 60 इंच है। और ये भी गब्बन है? नहीं, खाली है। कह के सानू गब्बन दत्ती थी जी। पता नहीं, अभी पता नहीं, पता नहीं है। कितने साल की है ये बोले? 6 साल की। 6 साल की है। उसका कितना मांग रहे हो आप? 1,30,000 रुपए। और इसका कितना मांगा आपने? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, दोबारा आपका नंबर दे दोगे हमारी ऑडियंस को? अंग्रेजी में हो सकता है, या हिंदी में, या पंजाबी में ही दो, लेकिन स्लो स्लो दो, हमें समझेगा। पंजाबी, पंजाबी में, लेकिन धीरे धीरे बोलिए। 62837। ओके। 77190। 62837। 77190। 77771900। ओके, आपका पूरा नाम? बलविंदर सिंह। थैंक यू बलविंदर, उम्मीद करता है सारे बिक जाए आपके। थैंक यू सो मच। अपना चैनल कड़ी FSA एंटरटेनमेंट। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। करांगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी घोड़े अच्छे लगे मुझे। FSA। ठीक है, आज आपको खाली मुक्सर मंडी लिखना, ऊपर ही आएगा अपना। ठीक है, यूट्यूब पे। थैंक यू जी, थैंक यू। वेरी नाइस गाय, वेरी वेल स्पोकन, वेरी पोलाइट, सो वेल। भाई साहब आपका है? जी जी। क्या नाम है आपका सर? अजय कुमार है। यहाँ पे गाड़ी आई है। अजय जी आपका भी आखिरी कोने में टेंट है? नहीं नहीं, आखिरी कोने में नहीं है, हमारा उधर ही है, लेकिन घुमाने के लिए। अच्छा, घुमा सैर सपाटी के लिए लाए हो। क्या नाम है घोड़े का? उसका चेतक है जी। चेतक जी। कौन सी लाइन का है ये? लाइन हाँ, का है। मुक्सर में खड़े रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आ जाइए, गाड़ी आ गई है। कोई लाइन का नहीं, अननोन है ये? नहीं नहीं, लाइन का है, वो पता नहीं। पता नहीं है कौन सी लाइन है सर ये? चलिए कोई बात नहीं, नहीं। कौन सी है? क्या हाइट क्या है इतनी? हाइट 62 है जी। 62 बेचने लाए हो जी? कितना मांग रहे हैं इसका? 3 लाख रुपए। और नंबर किसका डाल सकता हूँ मैं? हमारे डाल दियो। क्या नंबर है आपका? 9761996199962631। ओके जी, ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। वो एक किसान की घोड़ी, उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर डाला। इनसे बोल रहा हूँ, इनके पास भी घोड़े, मना कर डाला। अब आप लोग बताएं हम कैसे ले इंटरव्यू? दे जस्ट डोंट वांट टू गिव इंटरव्यू, दे डोंट रियलाइज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। भाई आपके हैं, बात कर सकते हैं? आपके घोड़े हैं? बछेरे? वो क्या है, टट्टू है वो? वो टट्टू नर मादा है क्या? घोड़ा घोड़ी नर है? कितनी उम्र का है वो? ये 4-4 महीने बच्ची है। हाँ, 4-4 बच्ची है, 4-4 महीने, 4-4 महीने के है तीनों बच्चियाँ है क्या? बच्चियाँ, लड़का है लड़की है? लड़कियाँ, लड़कियाँ तीनों बच्चियाँ है। बच्चियाँ। कितना मांग रहे हो आप इनका? पहले वाले का ऊपर जो खड़ा है 20,000, उसका 20,000, और ये जो बैठे हैं 20,000, और ये? ये 25,000। ठीक है, नंबर आपका? नंबर मेरे तीनों मुंडे गए हुए इधर। देखिए ये होता है, नंबर नहीं पता है। और जो लोग बोलते हैं हमें सस्ते घोड़े बताओ, क्या आप वाकई में ऐसे घोड़े पालना चाहोगे? तो ये आपके लिए है। ठीक है, यू नो आई पर्सनली फील, अगर आप पालते हो तो अच्छी क्वालिटी का पालिए। नॉट सेइंग दैट वो बैड है, लेकिन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न, देन अच्छा ही घोड़ा रखिए। सर आपका घोड़ा है क्या? हाँ जी। क्या नाम है आपका? करामती। इसका नाम करामती है। और आपका नाम क्या है सर?
गगनप्रीत जी, घोड़े का नाम क्या है? अच्छा, घोड़े का नाम करामाती है और आपका नाम गगनदीप है। ओके, कहाँ से आए हो आप? तलवंडी से। बहुत अच्छा घोड़ा। एक मिनट सर, इतना दूर लगाने का कुछ डिसएडवांटेज है आपको? जी टेंट एकदम कोने में लगाए हो। अच्छी चीजें दूरी मिलती है। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? गोपाल सिंह। गोपाल जी, इसके बारे में बताएं, कौन सी लाइन का है ये? सूर्य लाइन है ना, है ना? सर आपका घोड़ा? हाँ, फ्रेंड था ये घोड़ा का। अच्छा, कोई नहीं है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए? जा रहे हैं। गगना गगना किधर गया? बड़ी क्रॉस इंटरव्यू गगने जी। वैसे क्या उम्र का है घोड़ा? 32 महीने का। और क्या हाइट है? बेचने लाया हूँ। बेचने लाया कि दिखाने के लिए? दिखाने के लिए। दिखाने के लिए लाया। ओके जी, ओके जी। गगने आई मना जा। गगने दो मिनट। कोई नहीं, मैं आता हूँ ग्राउंड लेके। ठीक है, चलिए। बहुत नाम क्या बताया घोड़े का? करामाती। करामाती क्या मतलब होता है उसका? करामाती भी कोई अनोखी चीज, करामात नहीं हो जाती? अच्छा, यानी वो ओके कोई करामात कर लिया आपने। ओके जी, अच्छा नाम चुना है आपने। चलिए, थैंक यू। कौन सा है ये कबूतर? अल्टीमेट है, अमेरिकन है वो। अमेरिकन अल्टीमेट सैटिनेट है। सैटिनेट, इसके फ्रिल्स अच्छे हैं वो सामने टाई जैसा। हाँ जी, ये कैंची बोल रहे हैं। कैंची कितना? 1500 का है। हाँ जी, ये रेट लगा हुआ है 1500 का। ये जो जोड़ा जानते हैं बापे, जोड़ा है 2500 का। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। क्या, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जानते हो, चलिए ऑन टू द नेक्स्ट टेंट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगजीत सिंह। जगजीत जी, कितने घोड़े लाए, कितने बिके वो बताइए? असली लिया इसलिए जी 9 डंगा। नौ लेके आए? हाँ जी, 9 डंगा। 9 घोड़े लाए, बिके कितने हैं? 4.5 बाकी, 5 बिके। 4.5 बाकी है, या आधा कहाँ से हो गया? 4 बाकी है, 5। अच्छा, 4.5 बाकी है, 5 बिक गए, तो आपने तो अच्छा कर लिया। हाँ, बढ़िया है ना, बढ़िया। अब जो नहीं बिका है उसको कोई भी रेट में देखे जाओगे? ना, ना, ना। जो मोल मांगोगे वही बेचने से भेज दिए, इसका तो ठोक के लेंगे। मैं हर एक बंदे से पूछ रहा हूँ, क्या एकदम लास्ट कॉर्नर पे, ये मुखसर की एंट्री नहीं है, ये एकदम आखिरी कोना है, वही लोग कम आ रहे हैं यहाँ पे? खरीदार बहुत, खरीदार भी बहुत है और घोड़ा घोड़ी भी बहुत, देखने वाले भी बहुत, देखने वाले। ठीक है, और यहाँ पे क्या इतना पीछे अगर कोई चल के आया तो दाम कम मिलेगा क्या? यहाँ भी वही दाम रहेगा? दाम यही रहेगा, वही रहेगा, दाम कम नहीं होगा। दाम कम नहीं होगा, अच्छी चीज का दाम रहेगा। बताइए इसके बारे में, कौन सी घोड़ी है? ये है नीली चंबी। नीली चंबी घोड़ी है। जय मंगल। जय मंगल यानी वो आंखें जो ब्लू, दोनों आंखें वो ब्लू इज व्हाइट है। ठीक है, और रंग को क्या कहेंगे ये? हम नीला चंबा, नीला चंबा रंग कहेंगे। क्या हाइट की है ये? है जी 61 की। और उम्र कितनी है इसकी? है 6 साल की। अभी प्रेग्नेंट है? हाँ। कौन से अच्छे लाइन वाले घोड़े? सूर्य वाली लाइन का नुकरा घोड़ा है। अच्छा, तो नुकरा ही निकालेगी फिर ना ये? कितना मांग रहे हो आप इसका? इसका मांग रहे हैं जी 2 लाख। 2 लाख रुपए, ठीक है। वो वाली है, ये लाल चंबी बोलेंगे इसको? गरडी चंबी बोलेंगे। गरडी चंबी, ओके। ये क्या हाइट और उम्र की है? है जी 59। 59। और क्या उम्र की है ये? 4-4.5 साल की। ओके, ये भी प्रेग्नेंट है? नहीं, ये खाली है। ओके, इसका कितना मांग रहे हो? इसका मांग रहे हैं 80,000। 80,000 रुपए, ओके जी। ये वाली, ये रंग को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रंग है। तो ये मजू की लाइन का, हमारे पंजाब का ब्रांड है। ब्रांड है पंजाब। हाँ। मजू की लाइन का तो ग्रे कलर का ऐसे रंग का, ऐसे और व्हाइट होता है ना? यही है, जैसे जैसे घोड़ी पुरानी हो जाती है ऐसे मक्खी निकल आती है उसमें, असली मजू का रंग ये है। ओके जी, ओके। हाँ जी, पुरानी घोड़ी है मजू के लाइन की। ये क्या हाइट की है वैसे घोड़ी? है 61। और उम्र कितनी है इसकी? उम्र होगी जी इसकी 10-11 साल। और ये खाली है? नहीं, खाली है जी। कितना मांग रहे हो इसका? इसका 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए। और ये जो बच्चा है? बच्चा है जी नुकरा घोड़ा, नुकरा बच्चेरा है। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। कोई लाइन वाला है? लाइन वाला जी, लाइन वाला। कौन सी लाइन? लाड़े चेतक घोड़े का बच्चा। ओके, हाँ जी। कितना मांग रहे हो इसका? ये मांगते जी 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। आपका नंबर दीजिए हमारे दर्शकों को। 77104-26026। और आपका पूरा नाम? जगजीत सिंह ढिल्लों।
थैंक यू सो मच मिस्टर डिल्लो, बहुत बहुत शुक्रिया. आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिंह है जी. और बहुत अच्छी पोशाक है, निहांग की है ना? हाँ निहांग, बहुत अच्छी. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. तो मैं बोला इनसे बात कर सकता हूँ, नहीं इंटरव्यू है, इंटरव्यू दे सकते हो? बात की तो करी नहीं ना, ता करना घोड़े के बारे में बताना है. चलिए आइए, चने खाते खाते घोड़े के हिस्से के तो चने नहीं ले लिया आपने? नहीं नहीं, मूंगफली है तो. अच्छा मूंगफली खा रहे हो. आपका नाम क्या है वैसे? जसप्रीत. जसप्रीत कहाँ से आए हो? बोर्जरी सिंह जी. ओके, जिला लुधियाना. कितने घोड़े लाए, कितने बिके? 3 लाए हैं. और कितने बिके? तीनों तो यहीं खड़े हुए. तीनों यहीं खड़े हैं, इसी बच्चों की मां घर में ही है. कब आए आप यहां पर? 3 दिन हो गए. तो 3 दिन में एक भी नहीं बेच पाए, क्या वजह है? हले तो जानवर आ ही जा रहा है हले तो. नहीं आपका रेट आप पकड़ के रखे हो, छोड़ नहीं रहे हो वो नहीं, है नहीं. मतलब तो हले तो मेला कना स्टार्ट ही हो रहा है, हले बिछोड़ेगा जो तो बिकाई होगा. देखिए जिसे मेरे को लोग पूछते थे घोड़े बैठते नहीं, देखो अभी बैठा है हमारे सामने, खड़ा था. बच्चे बैठते देखा, बड़े घोड़े नहीं बैठते ना. बच्चा है हले तो 5 महीने का बच्चा है. 5 महीने का तो अभी तो माँ के दूध पे हो. हाँ तो आपने छुड़ा दिया माँ के दूध से? माँ के दूध से छुड़ा कर ही लेकर आए हैं. ओके जी, ओके. चलिए वहाँ पर उसका बताइए. 5 महीने का बच्चा है, खूबसूरत बहुत है, बहुत खूबसूरत है. कोई लाइन वाला है कि अननोन है? फतेहवीर का है. फतेहवीर का है. और कितना मांग रहे हो आप इसका? इसका 2.25। 2.25 लाख. इतना दूर आके भी मुझे सस्ते नहीं मिल रहे घोड़े. मुझे लगता था बहुत चल के आ रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर दूर थोड़ा प्राइस में कमी आएगी, बट हुआ नहीं है ऐसे. कितना देने वाला इसको? 1.5-2 के बीच. 1.5-2. नंबर क्या है आपका? 9914871722. थोड़ा बछेरा है ना? बछेरा है. सही सही. स्पॉट है इसमें? आई डोंट नो, स्पॉटलेस ही लग रहा होगा. भी तो भी आई थिंक बॉडी अच्छी आई है, बचपन में ही ये बॉडी अच्छी आ गई है. ये वाला बड़ी उदास खड़ी है सर, क्या? ये भी बछेरा है. अच्छा बछेरा ही है. ओके, क्या उम्र का है ये? ये कल को 9 महीने का हो जाएगा. आज मैंने देखा ज्यादातर लोग जो है ये गोनी उड़ा के रखे. ठंड बहुत हो गई यार, हवा बहुत चला हवा रहा है और ठंड बहुत है, बीमार पड़ जाते हैं. क्या बीमारी होती है इनको? ठंड लग जाएगी, सर्दी हो जाती है. हाँ सर्दी हो जाएगी. तो सर्दी का देसी नुस्खा क्या है, क्या देना चाहिए अगर घोड़े को सर्दी होगी? तो देसी नुस्खा था यही है जी, हम अपने लोग तो गुड़गड़ दे देंगे गर्म चीजा, जमे हम छोटे बच्चे है इन्हों हंग हुंग दे देंगे. ओके, गर्म हो जाते हैं. ठीक है. ये कोई लाइन का है क्या? मेंटू वाले था जी, समुंदर का. वो जो वहाँ पे खड़ा है उसका बेटा है ये? हाँ जी, ये समुंदर का है. अरे वाह, कितना मांग रहे हो इसका? इसका 4 लाख. नो डिस्काउंट? डिस्काउंट तो हो जाएगा. देने वाला बता दीजिए. ऊपर ये 3 लाख लग रहा है. 3 लाख. लोग क्या डर जाते हैं वीडियो देख के, फिर कोई हिम्मत नहीं करता घोड़े पालने की. नहीं 3 लाख में दोगे? ओके. क्या क्या हाइट पकड़ा है अभी और क्या उम्र का है एग्जैक्टली? 9 महीने का हो जाएगा कल को. 55 इंच हाइट है. और कितना जाएगा आपको लगता है हाइट? हाइट 5 प्लस जाएगा जी. और ये वाला, इसका बाप कितना है हाइट में? इसका बाप 64 है. 64. माँ अच्छी है? माँ अच्छी है इसकी? माँ इसकी गल्लाड़े दीपे के गुड़े की है. वो अच्छी है, फिट में लुकरी है जी पूरी. ओके जी, ठीक है. ये आखिरी वाली प्रिंस की बच्ची है जी ये भी. ओके, और इसका कितना मांग रहे हो? इसका 3 लाख. 3 लाख. क्या हाइट है? 1.8 इंच जी. और उम्र? उम्र 4.25 साल है जी. ओके जी, चलिए. जिस किसी महीने की गबन है, इतनी जल्दी गबन करा डाले आपने? 25 महीने की है? नहीं नहीं, 4.25 साल. अच्छा 4.25 साल की है. ओके ओके, 5 महीने गबन है. सॉरी मैं सुनने में थोड़ी दिक्कत आ गई, वो गाने इतने बजते हैं ना तो समझ में नहीं आता है. नंबर आपका दोबारा दे दीजिए आखिरी बार. 2 मिनट. 9914871722. एंड योर फुल नेम? आपका पूरा नाम? जसप्रीत सिंह. जसप्रीत जी, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए. थैंक यू. भूख बड़ी लग रही थी तो खाने का एक ही स्पॉट मिला है यहाँ पे कोने में, और यहाँ पर बहुत गर्दी है. क्या दे रहे हो भाई, क्या स्पेशलिटी आपकी? रोल, एग रोल है सर, चिकन रोल है हमारे पास. एग रोल एंड चिकन रोल 50 रुपए का. 50 रुपए सर. 50 रुपए सर. इतने कोने में क्यों आपने लगाया है शुरुआत में? नहीं भाई साहब, जगह नहीं मिली. अच्छा
लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है आपको? बहुत बढ़िया, आखिरी में रहेंगे। हमारे पास ये भाई साहब कल भी आए थे, आज भी आए हैं। अच्छा, डेफिनेटली टेस्ट अच्छा होगा। बहुत अच्छा बनाते हैं भाई, बहुत अच्छा बनाते हैं। चलिए भाई, मुक्सर में भैंसे भी आए हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है बगीचा सिंह जी। हाँ जी। ओके, और क्या लेके आए हो आपने, कौन सा जानवर लाए हो? ये मछली लेके आए हैं। कौन से नस्ल का है ये? ये युवराज की नस्ल है। ये युवराज की ब्लड लाइन वाला है। ओके, हरियाणा की। लाने का मकसद क्या है यहाँ पे? ये वैसे घूमने लाए, मंडी दिखाने के लिए। बेचने नहीं लाए? बेचने लाए हो? बेचने ने जो कुछ चाह बना तो दे भी देंगे। दिमाग में तो होगा कि इतना पैसा मिलेगा तो मैं दे दूंगा। इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए? क्यों लेना चाहिए लोगों को 5 लाख रुपए में? जो वैसे तो और भी है युवराज की नस्ल के, इसमें क्या खास बात? 3 साल उम्र है। 3.5 साल उम्र इसकी। 3.5 साल उम्र है। हाँ जी। कितना किलो का है अभी? कितने किलो का होगा ये? वजन से ये वजन जो है 5 क्विंटल है। 5 क्विंटल है। और इसकी लाइन वाली दूध कितना देती है भैंसे जो होती ये है? 25 लीटर। 25 लीटर एक दिन में? 25 लीटर। रिकॉर्ड कितना रहा है युवराज के बच्चों में? रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है दूध का। कितना? 25 लीटर, 26 लीटर, 24.5 लीटर। ओके, तो इसका गाँव क्वालिटी का फर्क पड़ता है। तो ये किन लोगों के लिए अच्छा है जो अपना फार्म डालना चाहता है, जिनके पास काफी भैंसे है ब्रीडिंग के लिए, उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा खरीदने? 1500 रुपये फीस है। तो वो तो सीमन भी बिकता है ना? ना ना, वो काम नहीं करते हैं। नहीं काम करता है? फैक्ट्री है इसका काम। तो वो आर्टिफिशियल सीमन आजकल जो बिकता है वो काम नहीं करता है? डायरेक्ट तो लाना पड़ेगा, काम नहीं करते। चाय वाहन हो काम करने वाला उसको मालिक दे देंगे आधा काम, बिजनेस ला सकते। तो डायरेक्ट तो फिर भैंस को लाना पड़ेगा। हाँ भैंस है ना, तो फिर बड़ा महंगा पड़ जाएगा आपके पास। आपका घर कहाँ पे है वैसे? बगीचा सिंह कहाँ पे है रहने का? नेड़े 7-8 किलोमीटर है। मुक्सर में ही? गाड़ी में आए, गाड़ी में ले जाएंगे। तो जो मुक्सर के आसपास वाले एतराफ में जो रहते हैं? हाँ, आसपास है ना। अगर आपके एतराफ में जो है वो लेके आ जाए, सारे के सारे जाते हैं। जिसको चावन हो ये खरीदना चाहता है दे देंगे, जब पैसे लाएगा उसको पैसे। ओके जी, ओके। नाम क्या रखे इसका? नाम क्या रखे? नाम इसका राजवीर जी। राजवीर, ठीक है। वैसे आपका नंबर देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? नंबर कितने आए आपका? नंबर मेरा नंबर है 9652-63-747। आराम से दोबारा 9652-63-747। बहुत बहुत शुक्रिया। बगीचा जी, थैंक यू ब्रदर। चलिए ऑन टू द नेक्स्ट टेंट। टेंट तो नहीं लगा है यहाँ पे, खुले आसमान के नीचे 2 घोड़े खड़े हैं। टेंट खुद के लिए है? अच्छा है, बारिश होगी तो अंदर घुस भी सकते हैं। इतना दूर, आपका नाम क्या है वैसे सर? लाला। और ये घोड़े किसके हैं दोनों? ये आप हमारे ही हैं। आपके दोस्त के हैं? हाँ। आपके दोस्त के हैं? हाँ। इतना दूर रखने का कुछ परेशानी है कि लोग आपको, आपके जानवर को देख नहीं पाते? नहीं देखते हैं जानवर को लोग, क्योंकि बहुत दूर है, बहुत अंदर है। यहाँ पे लोग, भीड़ कम है? इतनी भीड़ बाहर है, लोग क्या बाहर बाहर से निकल जाते हैं घूम फिर के? जो तो खरीदने देखने वाले होते हैं वो तो देख के वहाँ से निकल जाते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं ना वो लास्ट में आते हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ। सस्ते की उम्मीद में आते होगे? हाँ, कुछ सस्ते की उम्मीद में, कुछ सबको पता कि यहाँ शांतमयी माहौल है। लेकिन मैं वहाँ से लास्ट से शुरू किया आज बनाना, मैं तो यही उम्मीद से आया था कि मुझे सस्ते दिखेंगे, लेकिन सस्ते नहीं है। नहीं, इस बार तो बहुत तेज है, मंडी बड़ी तेज। हाँ, है, मंडी बड़ी तेज है। ठीक है, घोड़े के ये बेचने लाए आप लोगों ने के? बेचने लाए? शौक कराने लाए? नहीं, बेचने लाए, शौक वाले अंदर खड़े हैं। ठीक है जी, ये बताइए घोड़े के बारे में। ये बाक्सर वाले घोड़े की बच्ची है। अच्छा, ये दो दांत है ये। ओके, क्या हाइट की है? ये 64 इंच। 64। ओके, बेचने लाए हो? नहीं, ये वाली बेचनी है। कितना मांग रहे हो इसका? 15 लाख रुपए। तो आप तो अभी बोले भाई मार्केट बड़ी टाइट है, तो 15 लाख रुपए आपको लगता है थोड़ा जायज है? हाँ, जायज है, ऐसी घोड़ी मिलती नहीं है ना। हाँ, 64 हाइट है। कौन सी लाइन की है आपने कहा? सुल्तान की है। देखिए आप, अच्छा कैमरे पे दो दांत है ना ये, इसने हाइट और करनी है अभी। ओके जी, ओके। और ये जो बच्चा जो है ये किसका है? ये काले कांटे का बच्चा है। ओके, और कितना? 4 महीने और मंथ। मदर से छुड़ा दी थी जल्दी? अंदर मदर है ना इसी, तो अभी तो नहीं देना है ना ये? नहीं, ये भी बेचना है। तो 4 महीने तो माँ के दूध पे रहते हैं ना? जो ले जाएगा अपने आप दूध पिलाएगा। ठीक है,
बछेरा बछेरी है क्या है? बछेरी है, बछेरी है। ठीक है, कौन सा नंबर डालूँ आप लोगों का, किसका नंबर डालूँ? मोबाइल नंबर। हाँ मोबाइल नंबर दे डाले। और नाम उनका लाला जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके सर, चलिए अंदर भी है कुछ घोड़े। आपका नाम क्या है? लवप्रीत जी। लवप्रीत? हाँ जी लवप्रीत। अंदर ये उसकी माँ है, वो जो बाहर जो खड़ी है, हमने जो बाहर देखा, यहाँ पे आइए आप, उजाला है, जो बाहर बच्चा देखा उसकी माँ है? ये नहीं, ये उसकी माँ नहीं, ये वो घर पे है। ओके ओके, ये तो बहुत अच्छी फिटिंग में है। हाँ। I think जितने घोड़े वो जो बाहर जो घोड़ी खड़ी है व्हाइट वाली उसी तरह है, ये तो और अच्छी फिटिंग की लग रही है। ये वो नुकरी आ जाती है ना, ये काली चंबी आ जाती है। बहुत खूबसूरत है बॉडी, जिस तरह से कवेशियस आई है, वेरी वेरी गुड। कौन सी नस्ल की है ये, नहीं कौन सी ब्रीड लाइन की है? ब्लड लाइन समुंदर, वो नुकरी की ऐसी निकली है। क्या उम्र की है? चार दांत है। ओके ओके, तो अभी खाली है? अभी खाली है। इसका कितना मांग रहे हो आप? ये देनी नहीं। अच्छा माल तो नहीं दे रहा, लेकिन सबसे अच्छा तो वो खड़ा है, वो सबसे बेस्ट है, बहुत खूबसूरत है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द मंडी, बहुत खूबसूरत, स्पॉटलेस है। अच्छा इससे मीट हुई है। ओके, इसका नाम क्या है? एरो, यानी तीर कमान वाला एरो। अरे वाह, ठीक है, एरो नाम है। क्या हाइट है इसकी, क्या उम्र है? ये 2 साल का। और लाले दी हाइट कितनी है? 8 इंच। और कौन सी लाइन का है? प्रिंस लाइन। प्रिंस लाइन का स्पॉटलेस है। इसकी बेस्ट पार्ट जो है चेहरा और जो नेक है, बहुत अच्छी फिटिंग में आया है, बहुत अच्छा है घोड़ा आपका। और वंस अगेन, जिस किसी को ये बेचना है आपको, कितना मांग रहे हो इसका? 5 लाख रुपए मांग रहे हैं इसका। और घोड़ी बेचनी है आपको ये वाली? कितना मांग रहे हो इसका? 2 लाख रुपए। ओके जी, ओके भाई, बहुत अच्छी फिटिंग में लग रही है। नंबर नंबर दोबारा। 70140 जी। ओके, अंग्रेजी में थोड़ा दे सकते हैं? 7814 94490। और आपका नाम? मेरा नाम लाला जी। लाला जी, और आप कहाँ के रहने वाले हो सर? बुक्सर के लोकल हो, आपके लिए तो होम टर्फ है ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए ऑन टू द नेक्स्ट टेंट, वीर स्टड फार्म, राइट? आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोंटी है। और मोंटी, आप कौन हो वीर स्टड फार्म? मैं केयर टेकर हूँ। ये केयर टेकर हो, कहाँ पे है ये फार्म लोकेटेड? ये फार्म में अपने मोगा जिला है। ओके, बागा पुराना तहसील है और सिका खुर्द। मोगा में बहुत घोड़े वाले हैं, मैं बहुत लोगों से पूछना मोगा जिला काफी बड़ा है, काफी घोड़े का बहुत शौक होता है। ठीक है, और अच्छे अच्छे शो क्वालिटी घोड़े लाए हो, मुझे सेकंड वाला बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले ये बताइए आप, पहली नजर उसी पे गई, उसकी गर्दन तो अजीब ही है, बहुत यूनिक है सर, इसके बारे में बताइए। ये अपने पास है प्रभात का पोता। प्रभात का पोता, देव का बच्चा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत फिट है। क्या उम्र का है ये? उम्र अभी 2 दांत। 2 दांत हैं। और हाइट कितनी पकड़ा है? 60। कोई शो वगैरह में उतारे हो इससे पहले? अभी नहीं उतारा है। नहीं उतारे, बेचने लाए हो उनकी नुमाइश के लिए? बस दिखाने के लिए, बेचना नहीं है। ठीक है, 2 दांत है अभी तो, क्रॉसिंग अवेलेबल है? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, बस तो 4 पीछे आगे। ये तो बहुत शुभ माना जाता है ना, बहुत शुभ माना जाता है, लक्ष्मी कदम आगे के। और इसे कलर भी अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। एक्चुअली आज मौसम इतना डल है, ये एक्चुअली धूप में निकलेगा तो जबरदस्त लगेगा, बहुत शो क्वालिटी है, बहुत शाइन पड़ेगा। और अपने घोड़े का भी बहुत ज्यादा डार्क लेते हैं। ठीक है, घोड़ा तो टॉप क्वालिटी है भाई, जितने आज देखा आई थिंक सबसे अच्छी गर्दन मुझे इसकी लगी। और जिस तरह से आपने वो हेयर स्टाइल बनाया है कर्व करके, ये आपने बनाया ना, है ना, बहुत बढ़िया। सर बताइए घोड़े के बारे में। ये अपने देवदरबार लाइन से सुंदर का बच्चा है और अति सुंदर का भाई है। नो वंडर इसमें वो खूबसूरती आई है, मजबूती आई है, बहुत खूबसूरती आई है। ये जो मजबूती है सर, ये जो हिस्से की जो मजबूती है, ये बहुत बहुत जबरदस्त है। और चेहरा भी इनका अलग ही है, है ना, चेहरे से लाइन के अंदर ही क्या ब्यूटी बहुत ज्यादा है, बहुत खूबसूरत, सबसे अच्छा आज जो मेले में मुझे दिखा है, सबसे खूबसूरत घोड़ों में से एक है। देख लो सुंदर के बच्चे सारे, देख लो अति सुंदर, देख लो उसके अंदर केसरिया, देख लो उसके अंदर ही वो ब्यूटी है।
वाकई में सर, क्या नाम रखे हो इसका? इसका मोर मुकुट, स्टैलियन मोर मुकुट। स्टैलियन मोर मुकुट। मैं कभी किसी से डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, अगर पॉसिबल है इसको वहाँ पर खुले में लेके कर सकते हैं, क्या दिक्कत होगी? खुले में तो मैं, आप अभी क्या टाइम हुआ है, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, खाली बस एक फोटो ले लेंगे, उसको कवर फोटो में डाल। अभी अभी बंदे आ रहे हैं, वो अभी बाहर ही निकालेंगे हम इसको, बाहर निकालने वाले हो इसको? ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ हुआ तो फिर अच्छा है। क्या हाइट है वैसे इसकी? 63 है सर। और उम्र कितनी है? उम्र 7 सर। बेचने लाए हो? नहीं नहीं सर, शो के लिए, शो के लिए सर। उम्र 7 इयर्स है। इसकी क्रॉसिंग फी कितनी है? इसकी 31,000 रुपीज। नंबर आपका? 7973001033। ठीक है तो सर, क्या नाम बताया आपने इसका? मोर मुकुट। और वो वाला सर, वो घोड़ा घोड़ी है वो? क्या घोड़ा है? घोड़ी है। ये हीरे की बच्ची है। किसकी? हीरे की। हीरे की बच्ची है, तूफान की पोती है। और ये उसी की बच्ची है? नहीं, ये इसका बच्चा, अपने स्टेज का बच्चा। ये इसका बच्चा है? इसका बच्चा है। अरे वाह, तो कौन सी घोड़ी लगाए थे उसके ऊपर? ये इसकी मदर है। अच्छा, वो ये माँ बेटे ही है? हाँ, और वो ये फादर है, मोर मुकुट। ये बेचना है आपको बच्चा? हाँ, सेल वगैरह अच्छी कोई। क्या उम्र का है बच्चा? अभी 5 महीने का है। 5 महीने। और कितना मांग रहे हो? छह लाख मांग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बनेगी वैसी नेक जो हाँ फादर की है वैसी? फादर की है, सेम वही गर्दन वगैरह। ओके, पीछे का बॉडी फिक्स सेम बाप जैसा। चारे पैर चिट्टे कर गया। फादर बड़ा हुआ, बाप बड़ा काट रहा है। फादर फादर है ना? एलियन रह गया, फिर थोड़ी बहुत नोटिंग करेंगे। ये यहाँ के ओनर है सर। हेलो सर, क्या नाम है आपका? राजसंग जी। बहुत अच्छे घोड़े हैं आपके, खास करके और बीच में। क्या नाम दे? मोर मुकुट। हाँ जी, नाम आपने रखा है? हाँ जी, आप रखा। मोर मुकुट यानी पिकॉक के चेहरे वाला। हाँ, जो इसकी गर्दन है ना, वो हाँ। गर्दन को देख के जैसे मोर की नहीं होती है। हाँ जी, वैसे हाँ इसकी गर्दन है, तो इसका नाम है ऐसी। और लंबी है, काफी लंबी है, जो हंस अपना स्वैन होती है ना, उस तरीके से है। वाकई में बहुत खूबसूरत। ये आपने कब खरीदा घोड़ा? इन्हें 2 साल हो गए। 2 साल तब भी ऐसी था कंडीशन में? हाँ, वो भी थोड़ा या और झाड़ पूंज करके, सेवा करके और नखेरिया उदू भी। ठीक है, तो शो वगैरह में क्यों नहीं उतारते हो इसको? शो वगैरह वैसा ये टाइम ही नहीं लगता। अच्छा, हाँ कहीं शो में जाए तो लेकिन टक्कर देगा। बहुत अच्छा घोड़ा है ये, बहुत अच्छा घोड़ा। हाँ, शो बहुत खूबसूरत घोड़ा है मोर मुकुट। अब तक के आज तो मैं पीछे से शुरुआत किया हूँ, पीछे से जितने घोड़े देखा हूँ सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। आपका नंबर क्या है सर? 7 1 9 5 1 4 2 9 8। पंजाबी में बोल दो एक बार। 77 1 95 14 2 98। ये हुई ना बात, धड़ता धड़ता धड़ बोल गया आपने बिना इसकी चाय। ये भी घोड़े बच्ची हैं अपनी हैं? हाँ, बताइए आप लग कोई अननोन लाइन की क्या, कोई लाइन वाली है? लाइन वाले तो साढ़े पता नहीं पता ये। हाँ, लाइन से सर। कौन सी लाइन की है ये? अपने पाथड़ी लाइन से। हाँ, पाथड़ी लाइन से, राजस्थान के अंदर है। ओके, उससे ओके से निकली हुई बीट है। क्या एज और उम्र है इसकी? इसकी एज अभी 4 साल। एज 4 साल, और आई मीन सॉरी, एज और हाइट क्या है? हाइट है इसकी 60 61। कितना मांग रहे हो इसका सर? इसका 2 लाख रुपये। ये वाला ये क्या मेरे हैं? हाँ, ये भी मेरे। प्रेगनेंट है? हाँ, प्रेगनेंट है ये। क्या उम्र की है यहाँ? ये वो भी 7 साल की। इसमें लेकिन वो फिटनेस नहीं आएगी क्यों ऐसे? ये अपने अननोन लाइन की है, अपने मित्र की है। अच्छा, अपनी नहीं है। जिसका कितना मांग रहे हैं वो तो देखो, अपन नहीं बता सकते ना कि अपने मित्र की है। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन आपके घोड़े वाकई में बहुत अच्छा है, मोर मुकुट नाम याद रहेगा मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलिए, दे बीन वेरी काइंड, आई वाज सेम टू जस्ट टेक मोर मुकुट आउट, क्योंकि मोर मुकुट ऐसा घोड़ा है खड़े रह के जस्टिस नहीं होती है, उसको बाहर निकाले तो ही मजा आएगा। प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, और बहुत अच्छा घोड़ा है। बाहर निकाल रहे हैं इसको। One of my favorites, very very good.
आइयो What a beauty. बहुत जबरदस्त है भाई घोड़ा चलाई चलाई एक मिनट यहाँ देखिए आप भी देखिए इधर देखिए बस 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 थैंक यू ब्रदर थैंक यू Got out of control. पीछे रहना बड़ा मुश्किल है बस I'm thankful to them. बाहर निकाले. They've been very kind. Thank you, brother. Thank you. आपकी घोड़ी है क्या नाम है आपका हमारा नाम है मलुका सिंह पठला मलुका जी कहाँ के रहने वाले हो बिले मूला सिंह वाला डिस्ट्रिक्ट मानसा पंजाब मलुका जी दो घोड़िया है ना बहुत खूबसूरत है दूर से नजर पड़ गई क्या रंग कहेंगे इन्हें काली अबलक गप्पन तीन महीने की गप प्रेगनेंट है और कोई लाइन वाली है
जे नुकरा की लाइन है वो क्या हाइट का है? वो 65 इंच हाइट है, दो दांत है अभी। तो ये बेचने लाए हो आपने? कितना मांग रहे हो इसका? 2.5 लाख रुपीज। 2.5 लाख रुपीज। व्हाट अबाउट दिस वन सर, ये वाली का? चंबी तो रंग है ना, आप कोई ब्लड लाइन है? वो ही आपको बताता हूँ, जो चंबी होगी इनमें नुकरे का ब्लड होता है, जो लाइन होती है ना वो ज्यादा काले घोड़ों में, काले और फुल सफेद घोड़े में। हाँ, इसकी तो जो कंडीशन है, जो वाइट मुँह है इसका, पैर है, पेट पे है, डब है इसके, उससे भी ये नुकरे का ब्लड है, इसमें जो नुकरे बच्चे देने वाली है। कितने मांग रहे हो आप इसका? इसका 2,70,000। नंबर क्या है सर आपका? 94652 स्टार मिक्स। इंग्लिश में भी बताऊं? वो इंग्लिश में ज्यादा अच्छा। 9465297101। और आपका पूरा नाम? मलुक सिंह पठल। मलुक सिंह पठल, हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। भाई साहब बेचने की है? हाँ जी। बेचने की है? क्या उम्र की है? 24 महीने। कोई लाइन वाली है? हाँ जी। कौन सी? सूर्य। तो हाइट कितनी है? 60। कितना मांग रहे हो? 3 लाख। 3 लाख। नंबर आपका? 9661776। थैंक यू। सर ये घोड़ा जा रहा है? इतनी जल्दी आप बाय बाय कर रहे हो मेले को? 4 दिन हो गए हैं जी। 4 दिन हो गए, मौसम भी थोड़ा खराब हो रहा है। खराब हो रही, चलिए जी। इसका नाम क्या है? राजेश्वर। राजेश्वर, खूबसूरत है, मैंने इसको पहले कवर किया हूँ। लक्ष्मी कदम है। कैसा रहा ये? वही लक्ष्मी कदम वाला। कैसा रहा रेस्पॉन्स इसका? हाँ जी, पब्लिक ने उत्साह बताई बहुत बहुत बहुत। आपका नाम क्या है सर? लखवीर सिंह बिल्ला। ठीक है, अभी नेक्स्ट मेले कौन से मेले में मिलोगे आप? एक तो बात जगराव में, पहले मिला था इधर जगराव में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ये आपका डेब्यू है? पहली बार आया हो? हाँ, पहली बार है। चलिए जगराव में, सेकंड टाइम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज जो है सब जाना शुरू कर दिए। फॉर इंस्टेंस जो गोल्डन रॉक था नूरगढ़ स्टड फार्म, उन्होंने भी बोला कि भाई शाम को हम निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कल निकल लेंगे। टेंट वेंट पूरे खुल गए। सो आज से मेला धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो रहा है, एंड कल मेरा भी आखिरी दिन है। एंड देन आज तो मैं इसीलिए पीछे का कवर कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े, कल मैं बाहर बाहर के घोड़े जो है वो कवर करके निकलूँगा, बिकॉज शाम को मुझे निकलना है। क्या नाम है घोड़े का? जबरदस्त। सर क्या नाम है घोड़े का? रोमियो। रोमियो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरप्रीत। ये वो रुसाद सट्टा उनका? हाँ जी। इसको तो मैंने डेरा सच्चा सौदा में कवर किया था। हाँ जी। एक ये और रूही थी मेरे ख्याल से, रूही आई है? रूही नहीं आई। रूही नहीं आई है। रोमियो हर बार मिलता है हर मेले में, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू।
सिद्धू स्टड फार्म के टेंट पे है। क्या नाम है सर आपका? लखवीर सिंह। लखवीर जी थोड़ा एनर्जी कम लग रही है, मेले ने थका दिया आपको? नहीं, बस मेले का सुनो पता नहीं। मैं देख रहा हूँ आज काफी टेंट खुल रही है, सब पैक करके निकल रहे। आप कब तक के हो यहाँ पर? आप 18 तारीख तक रुके हुए हैं। बहुत देर तक के मेरा तो मेरे ख्याल से कल ही सब जाना शुरू कर डालेंगे। आज ही शुरू हो गई है रवान की तो, है ना? हाँ जी। ठीक है, सबसे बेस्ट घोड़ा आपने ये है शैलियन शक्ति 65 इंच। यहाँ पे आइए ना, ये शक्ति कौन है? कौन सा है शक्ति? अच्छा ये वाला है शक्ति, सॉरी सर। एक मिनट आप यहाँ पर आओगे, घोड़ा पूरा दिख नहीं रहा है यहाँ पर, थोड़ा पीछे। हाँ जी बताइए घोड़े के बारे में, कौन सी लाइन का है ये? बहुत अच्छा घोड़ा है। और ये क्या मजू की लाइन का? ओके जी, क्या नाम है इसका? नहीं पता। ठीक है, जेंटलमैन को ज्यादा कुछ पता नहीं है घोड़े के बारे में। चलिए थैंक यू, खाली मैं वीडियो बना नहीं। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। FSA SOA, ठीक है, थैंक यू। बढ़िया सर, आप कैसे हो? बेचने लाए हो? क्या बछेरा बछेरा है? क्या उम्र का है? उम्र है किस तरह? कोई लाइन वाला है कि अननोन है? हाँ, लाइन वाला। कौन सी लाइन का है? ये है क्या? नागदा। नागदा कितना मांग रहे हो? 2 लाख रुपए। नंबर आपका? 5546-96000। और आपका नाम? हर गोविंद। वैसे आए कहाँ से हो आप? लोकली। लोकली हो? ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? मेरा प्रदीप धालीवाल। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरे चैनल का नाम है FSA एंटरटेनमेंट। ठीक है, थैंक यू। चलिए ये थी आज की बैक बेंचर्स वाली मंडी। आई होप यू लाइक इट। एंड कल मेरा आखिरी दिन है एंड उसके बाद आई विल बी बैक इन मुंबई एंड देन आई विल सी यू इन जबरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।